न्यूज़ क्लिक में आपकी स्वागत है। आज हमारे साथ कफील खान साहब हैं और हम चर्चा करेंगे इस बात की कि गोरखपुर में जो हादसा हुआ था जिसमें इतने बच्चे मरे, किस लिए हुआ था और उसका वजह क्या था। कफील, आपको न्यूज़ क्लिक में आने में शुक्रिया। उस दिन जो घटना हुई 10 तारीख रात की, जो चर्चा हर जगह पे हुई है, उसमें ये कहा जाता है कि एंकेफेलाइटिस इस महीने में होता है और इसीलिए ज़्यादा बच्चे मरते हैं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है। पर उस दिन अगर हम देखें उसके पहले के और उस वक्त की, उन दो तीन दिन देखें, तो मौतें बच्चों की काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो ये क्या एंकेफेलाइटिस था या और भी वजह थी, और ऑक्सीजन न होने की वजह से, जो सबको इस वक्त मालूम है कि ऑक्सीजन उस दिन ख़त्म हो गया था, उसके वजह से हुआ था? देखिए, ये फैक्ट है, पुष्पा सेल जो सप्लाई करती थी लिक्विड ऑक्सीजन, ही वाज राइटिंग लेटर्स फॉर द पास्ट 6 मंथ, और उसने प्रिंसिपल बीआरडी, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोरखपुर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, डीजीएमई मेडिकल एजुकेशन एंड टू द हेल्थ मिनिस्टर, इवन चीफ मिनिस्टर को भी उन्होंने लेटर लिखे हैं, पर नोबडी यू नो एक्टेड और नोबडी फेल्ट दैट यू नो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, हाउ इज़ गोइंग टू एक्ट। और उस दिन 10 की रात को जब 7:30 PM लिक्विड ऑक्सीजन गॉट फिनिश्ड, सो दिस इज़ अ फैक्ट कि देर वॉज अ सडन स्टॉपेज ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। जो 52 सिलेंडर हमारे पास थे उनसे हम लोगों ने 4 घंटे 11:30 बजे तक काम चलाया, और देर वॉज अ टाइम देर वॉज नो लिक्विड ऑक्सीजन एंड देर वॉज नो जम्बो सिलेंडर्स ऑल्सो, एंड इट्स डॉक्यूमेंटेड ऑलरेडी। डेथ की बात करें तो 7th, 8th और 9th देर वॉज डेथ नंबर, इफ़ यू काउंट देर 8 और 9 एंड बिकॉज ऑफ अदर डिजीजेज, बट 10th को जो डेथ हुई है दैट द नंबर इज़ वेरी लार्ज, फ्रॉम 7 इट इन जम्प टू 23। सो दिस इज़ अ फैक्ट दैट वॉज अ सडन स्टॉपेज ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, एंड दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट दैट दिस इज अ इंक्रीज नंबर ऑफ मोर्टलिटी ऑन द 10th night। ये रिकॉर्ड पे है, ये रिकॉर्ड पे है। और जो 23 आप कह रहे हैं इनकेफ्लाइटिस की जो पिक्चर बनाएगी कि सिर्फ इनकेफ्लाइटिस के बच्चे मरे, वो ऐसा नहीं है। आउट ऑफ 23, 14 वर न्यूबॉर्न, जो उसी दिन पैदा हुए थे या 2 दिन 3 दिन पुरान बच्चे पहले पैदे, हाँ, नवजात शिशु थे, न्यूबॉर्न्स थे, और उनकी डेथ हुई है। और आउट ऑफ 23, 14 वर न्यूबॉर्न, और जो बाकी 6 थे वो उनको कुछ कार्डियक डिजीजेस थे, उनको कुछ निमोनिया था, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी, वो भी वेंटिलेटर पे थे, दे ऑल्सो नीडेड ऑक्सीजन। सो ऑल दिस 14 न्यूबॉर्न नीडेड ऑक्सीजन, ऑल दिस 6 कार्डियक केस नीड ऑक्सीजन, ओनली 3 वर इनकेफ्लाइटिस। तो सिर्फ ये कह देना कि इनकेफ्लाइटिस से मौत हुई है, ये हम अपने आप को झुटलाएंगे या दुनिया को बेवकूफ़ बनाएंगे। आउट ऑफ 23 डेथ ऑक्सीजन से ही हुई है, दस वी कांट से बिकॉज पोस्टमार्टम हैज़ नॉट बीन डन, बट ऑक्सीजन प्लेड अ बिग रोल एंड इज जस्ट एक्सेलरेटेड द मोर्टलिटी। उस वक्त जो है लाइफ सपोर्ट अगर नहीं हो, जिसमें ऑक्सीजन की एक बहुत अहमियत रहती है, लाइफ सपोर्ट अगर ना हो तो इस क्राइसिस में, बच्चे जब इस क्राइसिस में है, नवजात हो या आप जिसे कह रहे हैं कि दूसरे कार्डियक डिजीज़ या न्यूमोनिया है, तो लाइफ सपोर्ट बहुत अहमियत रखती है इसमें। और उसमें ऑक्सीजन ना होना, ये करीब डेथ सेंटेंस के बराबर हो सकती है। दैट्स व्हाट वी ट्राइड विद अम्बू बैग। अम्बू बैग जो होता है वो जो इन्वायरमेंट की एयर होता है उससे ऑक्सीजन को थोड़ा सा कंसंट्रेट करके वो देता है, तो उसके लिए ट्यूब डालनी होती है एंड वी प्रेस दैट बैग, सो वी ट्राइड, हाँ, हाथ से प्रेस करना पड़ता है। और उसकी तस्वीरें, हाँ, उसकी तस्वीरें भी हैं, और हमने रेजिडेंट भी लगाए, और चूंकि इतने रेजिडेंट इनफ नहीं थे तो कुछ पेरेंट्स को भी करना पड़ा, वो तो सिस्टर्स ने किया। सो वी ट्राइड विद अम्बू बैग, बट देर वॉज अराउंड मोर देन 300 किड्स एंड वी कुड नॉट सेव 63 इन 2 डेज। दूसरी बात है, ये भी अखबार में काफ़ी फैलाया गया है कि आपकी जिम्मेदारी पूरी वार्ड की थी, और एक तरफ से बताया गया है कि आपके वजह से, क्योंकि आपने कदम नहीं लिए थे, आपने बताया नहीं था, और इस जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, और आपके ऊपर इसीलिए चार्जशीट वगैरह भी लगाया गया, केस लगाया गया। आपकी जिम्मेदारी उस वार्ड में क्या था? अस्पताल की बात तो बाद में आएंगे, इस वार्ड के लिए जो नियोनेटल वार्ड है उसके लिए आपकी क्या जिम्मेदारी थी? वन थिंग आई वांट टू क्लियर इट, आई वाज अ जूनियर मोस्ट डॉक्टर देयर इन द पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स।
आई जस्ट ज्वाइन वन ईयर बैक माई परमानेंट कमीशन. आई गॉट द लेटर ऑन 3rd of August 2016 और मैंने ज्वाइन किया 8 अगस्त 2016 को और ये इंसिडेंट हुआ है 2017 अगस्त में. सो एक साल पहले ही ज्वाइन किया. मेरा वर्क था बच्चों को जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनको पढ़ाना, बच्चों का ट्रीटमेंट करना एंड आई वॉज ऑल्सो अ नोडल ऑफिसर NRHM. तो जो स्टाफ थे ह्यूमन रिसोर्स था वो उस वार्ड में उनकी अटेंडेंस लेना और उनकी सैलरी वगैरह देखना, यही तीन काम थे मेरे. बच्चों को पढ़ाना अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, बच्चों को ट्रीट करना और नोडल ऑफिसर NRHM का काम करना. बट दे मेड मी वाइस प्रिंसिपल ऑफ द BRD. वाइस प्रिंसिपल हाँ मीडिया. सी इनिशियली द गवर्नमेंट वॉज इन डिनाइल मोड. दे जस्ट वॉन्टेड टू कम्प्लीटली बरी द होल इंसिडेंट बट वेन दे कुड नॉट डू दैट when the thing has come to the system failure has come to the public domain then they started you know kis pe matthe ye mara jaye ha matthe mara jaye ya unhone kuch kehte hai ki wo jo IT sales ke hazaron log the ya jo unke kuch log the unhone social media pe they started smear campaign aur unhone likhna start kar diya. तो फैक्ट डिस्टॉर्टर और रूमर मॉन्गर्स कहते हैं ना उनको, उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था अरे ये वाइस प्रिंसिपल थे BRD के, अरे ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे BRD के, अरे ये सुपरिटेंडेंट थे BRD के. नो दे वन थिंग देर इज़ नो वाइस चांसलर पोस्ट इन BRD. सेकेंड थिंग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यू हैव टू हैव 15 to 20 ईयर एक्सपीरियंस, यू शुड बी प्रोफेसर. आई वॉज अ लेक्चरर एंड आई वॉज जस्ट ज्वाइन वन ईयर बैक. तो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट डॉक्टर महिमा मित्तल हैं वहाँ पे, वाइस प्रिंसिपल की कोई पोस्ट नहीं थी. सुपरिटेंडेंट के लिए यू नीड एटलीस्ट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस और सुपरिटेंडेंट डॉक्टर AK श्रीवास्तव वॉज देयर चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट. सो दे मेड मी लाइक आई वॉज रनिंग द होल हॉस्पिटल एंड यू नो दे मेड मी दैट मीन आई वॉज डूइंग एवरीथिंग. विलन की तलाश थी उनको, किसके नाम पे ये किस्सा लगाया जाए. जी आई टोल्ड यू ना कि इनिशियली अगर आप देखिएगा DM जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोरखपुर का अगर 11th मॉर्निंग का जो स्टेटमेंट देखिए जो आपको YouTube पे मिल जाएगा, उन्होंने जो कहा कि यस देर वॉज सडन ऑक्सीजन स्टॉपेज ऑफ ऑक्सीजन, यस देर वॉज डेथ. बट इवनिंग दे ही चेंज हिज स्टेटमेंट. इवनिंग वो बोले सर उन्होंने DM सर ने कि यस देर वॉज सडन ऑफ स्टॉपेज ऑफ ऑक्सीजन बट देर इज़ नो डेथ बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन लैक ऑफ ऑक्सीजन वी मेंटेन विद द जम्बो सिलेंडर्स. दैट्स वॉट ही सेड इन द इवनिंग and he praised me also, he praised me in front of everyone. Next day when health ministers Mr. Siddharth Nath Singh and Mr. Ashutosh Tandon came, they came with the story ki no there was no shortage of oxygen, only the 2-3 hours there was a deficiency and there was no death because of lack of oxygen, and they came with the statement ki august mein maute to hoti rehti hain. So they didn't know how to react. So they found me कि चलो एक बलि का बकरा मिल गया है. तो बट अभी जो आप कह रहे हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई वाले कंपनी, उसको मालिक को जेल में रखा है अभी भी? नहीं, वो उसको सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है. ही वॉज देयर विद मी फॉर 9 मंथ. तो सवाल है कि अगर ऑक्सीजन की वजह से नहीं होता तो उनके खिलाफ केस क्यों लगाते? सी दैट्स द थिंग. उनको केस क्यों किया, उनको 9 महीने बंद क्यों किया? और आपको वन मोर थिंग आई टेल यू, when they opposed my bail in high court, the honorable government advocate, he said ki nahi sir oxygen ki kami nahi thi aur koi death nahi hui, he said to the judge. Aur investigation officer ne ek affidavit bhi diya hua hai is baat ka ki oxygen ki kami ki wajah se death nahi hui hai. He has given an affidavit to the high court. But when they opposed Dr. Rajiv Mishra's our principals बेल, जब उन्होंने प्रिंसिपल सर की बेल के लिए अपोज किया तो सेम एडवोकेट ही सेड दैट नो सर, ये प्रिंसिपल सर का उनकी वाइफ का और मनीष भंडारी जो पुष्पसेल हैं उनके बीच में किकबैक का कुछ था, करप्शन था, इसकी वजह से सडन स्टॉपेज ऑफ ऑक्सीजन हुआ और इसकी वजह से डेथ हुई. सो द चेंज द स्टेटमेंट दे नो व्हेन दे अपोज माई बेल दे सेड समथिंग, व्हेन दे अपोज प्रिंसिपल्स बेल दे सेड समथिंग. So they even don't know what they're doing. Japanese encephalitis इस region में गोरखपुर और उसकी surrounding region में काफ़ी फैला हुआ है. हर साल
इसमें बच्चे मरते हैं। योगी आदित्यनाथ भी इसके जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे वो इसकी बातें करते रहे। तो क्या वजह है कि ये जैपनीज इंकफेलाइटिस इतने साल से चल रहा है और अभी भी ये कंट्रोल नहीं हुआ, इसका वजह क्या है? जैपनीज इंकफेलाइटिस इज़ अ डिजीज़ विच स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो, मच्छर से फैलता है जो कि दिन में काटता है, और ये जापान से स्टार्ट हुआ 1971 में। और बात है कि जापान में अब वो डिज़ीज़ नहीं है बिकॉज दे हैव वैक्सीन, वी हैव अ ट्रीटमेंट फॉर जैपनी इंकेफ्लाइटिस, सॉरी वी हैव अ प्रिवेंशन फॉर जैपनी इंकेफ्लाइटिस, वैक्सीनेशन, या वैक्सीनेशन है। और गवर्नमेंट एंड WHO हैज़ ऑलरेडी फंडेड सो मच एंड दे क्लेमिंग दैट दे हैव वैक्सीनेटेड द होल रीजन। तो गोरखपुर में, लेकिन अगर आप देखिएगा 2013, 2014, 2015 and even 2016 there was a decrease in trend of Japanese encephalitis. It decreased to 7% of total encephalitis in 2015. 2016 में फिर से बढ़ा, वो 10% हुआ, और 2017 में ऑल इंकेफ्लाइटिस और 2017 में ये 15% हो गया। अराउंड 250 केसेस वी गॉट इन BRD इन 2017। तो ये क्वेश्चन ये है कि वाई दिस थिंग हैपनिंग इवन दो यू आर क्लेमिंग दैट यू हैव कवर्ड ऑल द चिल्ड्रंस एंड यू हैव वैक्सीनेटेड ऑल द चिल्ड्रंस, दैट्स द क्वेश्चन वी शुड आस्क। एंड द स्ट्रेंज पार्ट इज दिस दिस इज अ डिजीज ऑफ पुअर। मच्छर कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है कि ये गरीब का बच्चा है इसको काट लो और ये अमीर का बच्चा है इसको नहीं काटो। तो क्यों क्यों गरीबी के ही बच्चे मर रहे हैं? अगर आप देखोगे 99% किड्स दोज हु डाई दे आर फ्रॉम लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटा। Why this happening to all poors only? Because this either government जो claim करती है कि lower level पर हमने vaccine लगा दी है, that is not, maybe register पर भरे जा रहे हैं और वो पूरे नहीं हो रहे हैं, maybe they are giving only one dose, maybe the cold chain is not, they are not maintaining cold chain. एक temperature में रखना चाहिए, उसके ऊपर होता तो vaccine खराब हो। हमेशा vaccine को, यही का हाल पोलियो के साथ भी होता रहा बहुत सालों तक। पोलियो को दवाएँ, पोलियो के ड्रॉप्स, वैक्सीन दी जाती थी, फिर भी पोलियो आ जाता था। तो फिर बाद में WHO ने वो एक ड्रॉप्स के शीशी के ऊपर जो है एक स्क्वायर और एक गोल सर्किल डाला कि अगर वो दोनों सेम कलर के हो जाएंगे तो यू हैव टू डिस्कार्ड द वैक्सीन। फाइनली मे बी वी हैव टू डू दैट विद द जैपनी इंकेफ्लाइटिस ऑल्सो। एक और एक बात जो तस्वीरें देख को लगती है कि गोरखपुर में इस अस्पताल जिस पे बहुत सारे गरीब बच्चे आते हैं उस हिसाब से फैसिलिटीज़ नहीं है, एक बहुत बड़ा सवाल आता है। क्योंकि जिस तरह से इस इलाके में इंकफ्लाइटिस है और भी बीमारियां है और एक नोडल अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है, उसके हिसाब से जो फैसिलिटीज़ बच्चों को होनी चाहिए वो नहीं है। गोरखपुर जो है वो करीब करीब समझ लीजिए आपका हाफ ईस्टर्न UP यानी देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, महाराजगंज, कुशीनगर, हाफ ऑफ द बिहार, छपरा, सिवान, हाफ ऑफ द नेपाल, किशनगंज, बीरगंज, दे कैटर ऑल दिस पॉपुलेशन, दे कम टू गोरखपुर एंड दे इज ओनली वन मेडिकल कॉलेज इन दैट एरिया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप जो 950 बेड का जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम बना है उसमें 100 बेड और वो जुड़ा है, बाकी कोई कुछ खास प्रोग्रेस इन 50 सालों में नहीं हुई है। और जिस 950 से बनी थी अब सिर्फ 100 बेड बढ़ी है। हाँ, वो अब बीच में अखिलेश गवर्नमेंट ने 500 बेड का भी वो प्रोजेक्ट लाया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो है सुपर स्पेशलिटी प्रोजेक्ट लाया, पर वो अभी ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर रहा है। मे बी 1 or 2 ईयर्स इट विल स्टार्ट वर्किंग, दैट्स वाई मे बी दैट एम्स हैज़ कम टू गोरखपुर। पर रियल तौर पर जिस दिन इंसिडेंट हुआ, अब आपको बता दूँ कि 16 वार्मर हमारे पास थे और उस दिन 78 बच्चे थे करीब करीब न्यू बॉर्न, तो एक वार्मर पर 4-5 बच्चे थे। वार्मर वर्क्स लाइक ए सुपर कंप्यूटर, अगर बच्चे को मतलब उसका टेम्परेचर कम हो गया तो वार्मर हीट ज़्यादा देता है, अगर बच्चे को फीवर आ गया, बुखार हो गया, तो वार्मर अपनी हीट कम कर देता है। वेन यू पुट 4-5 बेबीज वहाँ पे, तो वार्मर का प्रोब एक बच्चे के पे लगाना होता है, तो वो कर ही नहीं पाएगा, वो काम ही नहीं करेगा वो वार्मर। तो दैट वाज द कंडीशन।
सो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे तो सीरियसली वी नीड, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे मरते हैं। अगर गोरखपुर बीआरडी की बात कीजिए तो पिछले 3-4 साल का डेटा देखिए तो 6,500 से 7,000 डेथ एवरी ईयर इज हैपनिंग इन बीआरडी, और उसमें से हाफ बच्चे होते हैं, 3,500 बच्चे मरते हैं, ज़्यादातर गरीब लोगों के बच्चे, सिर्फ गरीब, मोस्ट बिकॉज नोबडी, इफ़ यू हैव मनी दे गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स। गरीब ही बेचारे जाते हैं, जिनके पास 1 रुपया होता है वो पर्चा बना के वो इलाज कराते हैं। तो दिस दे हैव द ओनली होप, यू नो, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट द पेरिफेरल हेल्थ सिस्टम इन ईस्टर्न यूपी, इट वर्क लाइक अ वाइट एलिफेंट ओनली। आई टेल, आई एम सॉरी टू से, बट इट्स इन ऑन सॉरी स्टेट ओनली। वहाँ पे एक ही डॉक्टर है प्राइवेट हेल्थ सेंटर पे, आपने वेंटिलेटर खरीद के रख लिया है, मैन पावर दिया नहीं है, ठीक है, एक डॉक्टर 7 दिन रहेगा, 30 दिन काम करेगा, 24 घंटा काम करेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। फार्मासिस्ट एक है, सिस्टर एक है। अब आपने बीआरडी की बात करूँ तो जितनी हमारे यहाँ सेंक्शन सीट है उसको भी अभी तक भरी नहीं है, और जब से मुझे उन्होंने जेल भेजा है तब से एक पीडियाट्रिक डॉक्टर अपॉइंट भी नहीं कर पाए, इट्स ऑलरेडी 10 मंथ। एनीवे, होप बेस्ट ऑफ लक इन द केस, विल सर्टनली फ्रॉम न्यूज़क्लिक हम इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि असली बात को छुपाने के लिए इन सब चीज़ों को बनाया गया, केस बनाया गया, आपको इसमें फंसाया गया। न्यूज़क्लिक पहले दिन से इसको फॉलो कर रही है। आई एम थैंकफुल टू न्यूज़क्लिक कि मुझे याद है कि जब मैं जेल में था और मेरी फैमिली, माई वाइफ एंड माई ब्रदर डिसाइडेड टू कि दुनिया को बताएंगे क्या हुआ है, एंड वी शुड टेल द ट्रुथ, और यू गेव द अपॉर्चुनिटी एंड यू टुक माई वाइफ एंड माई ब्रदर्स इंटरव्यू, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू न्यूज़क्लिक। आई ऑलवेज बिलीव कि डोंट राइट इन फेवर ऑफ मी, मेरे बारे में, पर राइट द ट्रुथ, न ट्रू जर्नलिज्म स्पिरिट शुड, नो, इट शुड बी अलाइव, और वो बहुत कम रह गई है, एंड आई अप्रिशिएट यू गाइस की वो अभी भी जिंदा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग न्यूज़क्लिक, डू कीप वॉचिंग न्यूज़क्लिक एंड ऑल्सो विजिट आवर यूट्यूब चैनल।